Good morning, kids. Today we are going to learn how to write the repeated addition of a particular number in multiplication form. Okay, now the question is write in multiplication form as per example. Now, as you all can see here, 3 plus 3 plus 3 plus 3, मतलब 3 4 time add हुआ है. So if we are going to write this repeated addition in multiplication form, आपको पहले क्या लिखना है कि कितनी बार number add हुआ है. So as you all can see, this 3 is added 4 times, 1, 2, 3, 4. So 4 you will write first, और फिर क्या देखोगी कि which number is added repeatedly, कौन सा number repeatedly add हुआ है. Okay. So 3 is added repeatedly 4 times. So 4 times, or we can say 4 multiplied by 3. Okay. Now see this first one. So first, as you all can see here, 6 is repeatedly added. Okay. Now first, what you will find ki how many times this number is added? Ye number kitni bar add hua hai? Toh aap dekhoge 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 you are going to write first. Then the sign of multiplication. Now which number is added? So 6 is added. 6 add hua hai 5 time. To write 6. Means 5, 6 are. Okay. Or you can say 5 multiply by 6. Same way 4 plus 4. Plus 4. 3 time. So you write 3 first. Multiply by which number I added? 4. So 3 4s are. और 3 टाइम 4s यू कैन से, मतलब 4 3 टाइम ऐड हुआ है. सेम वे 9 इज एडेड रिपीटेडली. फर्स्ट वी विल काउंट हाउ मेनी टाइम इट इज एडेड. तो 1 2 3 4 5 6. तो वी आर गोइंग टू राइट 6 फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब 6 टाइम्स 9, मतलब 9 6 टाइम ऐड हुआ है, राइट. The same way, you are going to the next one, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 yourself. Okay, this one I am going to, 3 multiply by 0. और 0 के साथ कोई भी number add करने पे हमेशा product हमेशा 0 ही आता है. Always remember. Okay, और एक वाला भी दिखा देता हूँ. 1, 2, 3, 4. 4 multiply by कौन सा number add हुआ है बार बार. और 1 के साथ कोई भी number multiply करने पे जो 1 के साथ number multiply वही का वही product आएगा, मतलब 4 will be your answer. और यहाँ पे 0 के साथ multiply मतलब 0 ही आएगा. Okay, these are the two properties of multiplication. कि 1 के साथ कोई भी number multiply करने पे number itself product मिलेगा. And if you will multiply it by 0, you will get product 0. Okay. Now next. This exercise, fill in the blanks. It is based on the multiplication form. Now, as you all can see here, 2 is added 4 times. So if we convert this repeated addition in multiplication form, multiply by 2, मतलब 2, ये 2 क्या है कि जो नंबर बार बार ऐड हुआ है हो, बट पहला क्या आएगा कितनी बार ऐड हुआ है. तो 1 2 3 एंड 4, तो यू आर गोइंग टू राइट 4. सेम वे सी हियर 5, 1 2 3, तो 3 उन्होंने लिखा है. अब कौन सा नंबर ऐड हुआ है बार बार? 5. तो यू राइट. ओके, नाउ हियर 7, जो नंबर बार बार एड हुआ है 7. अब कितनी बार एड हुआ है? तो 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5. अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. सो 6 दे आर रिटन हियर. नाउ मल्टीप्लाई बाय व्हिच नंबर इज एडेड 4, मतलब 6 टाइम, दैट वी आर गोइंग टू राइट, दैट इज 4. सो 4. सेम वे see how many time, 1
टू थ्री देन फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, तो सेवन टाइम एट, मतलब एट जो है वो सेवन टाइम ऐड हुआ है. सो देन सिक्स वन, वन टू थ्री, वन थ्री टाइम ऐड हुआ है, तो थ्री उन्होंने पहले लिखा है, और कौन सा नंबर ऐड हुआ है, वन, तो यू राइट हियर वन. ओके, रेस्ट ऑफ सेवन एट नाइन एंड टेन यू विल डू योर सेल्फ. ओके, देन सी द नेक्स्ट वन, मल्टीप्लीकेशन. इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म. कि सबसे पहले फाइव यहाँ पे ऐड हुआ है, वन टू थ्री, फोर टाइम. ओके, तो फोर टाइम मतलब फोर पहले आएगा, और कौन सा नंबर ऐड हुआ, फाइव, तो फोर फाइव ज़ा, तो ये वी आर गोइंग टू मैच विथ फोर. देन सिक्स सिक्स सिक्स, थ्री टाइम हुआ है, मतलब थ्री सिक्स ज़ा, सो हियर इट इज, सो मैच इट विथ थ्री सिक्स ज़ा. ओके, देन ये सेवन इज एडेड, हाउ मेनी टाइम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स पहले आएगा और सेवन बाद में, तो ये रहा. देन वन टू थ्री फोर, फोर फोर टाइम, तो फोर फोर ज़ा, तो ये यू कैन सी हियर. देन नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम नाइन वेट होता, मतलब फाइव नाइन ज़ा. एंड लास्ट वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन बार एट हो, मतलब नाइन एट ज़ा. ओके, नाउ हियर रिपीटेड एडिशन फॉर्म. कि सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू, मतलब सिक्स टाइम टू ऐड होगा, जो पहला नंबर है उतने टाइम नेक्स्ट नंबर आप ऐड करोगे, तो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, फोर टाइम हुआ, फाइव एंड सिक्स. दिस इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन फॉर्म. सेम वे सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो सेवन जो है उतने टाइम आपको थ्री ऐड करना है, सेवन टाइम. देन दिस वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय नाइन, मतलब थ्री बार आपको नाइन ऐड करना है, नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन. ओके, व्हाट इट, देन टू मल्टीप्लाई, मतलब फाइव यू आर गोइंग टू ऐड टू टाइम. फोर मल्टीप्लाई बाय एट, मतलब आप एट को फोर टाइम ऐड करोगे. देन फाइव मल्टीप्लाई बाय वन, मतलब वन को आप फाइव टाइम ऐड करोगे, कि वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द होमवर्क. ओके, एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड डू इट प्रॉपरली. ओके, बाय, टेक केयर.